नमस्कार दोस्तों, ये 27 साल के व्यक्ति का काम है। इनकी दो चार बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या वो पूरी होगी? एक तो खुद की गाड़ी, खुद का घर, सरकारी नौकरी और पत्नी या परिवार का रिलेशन कैसा रहेगा। तो सारी चीज़ें इनके हाथ में यस साइन है। सरकारी जॉब यहाँ पर क्लियर कट साइन है, सरकारी जॉब मिलने के पूरे आसार है व्यक्ति के जीवन में। दूसरा देखे तो गाड़ी घोड़ा उसकी भी लाइन है, खुद का घर तो मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन इनके पाम पर बनी हुई है, और परिवार का सुख तो गुरु पर्वत काफ़ी अच्छा है। ये सारी चीज़ें इनके हाथ में अवेलेबल है। अब बेसिक एनालिसिस करते, ये पाम देखे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी साइन बनी हुई है, जो व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी या जो इनके जीवन में आएगी उसको ये तुरंत ग्रैब करेंगे। दूसरी साइन देखे तो ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है, कंप्लीट, पर पहली नज़र में लगता है ये रेक्टेंगल पाम है, पर ये ड्रॉ करने के बाद स्क्वेरिश लगता है। तो ये लोग काफ़ी मेहनती होते और हर कार्य मेहनत से पूरा करते, और इनका देखे तो अंगूठा भी काफ़ी अच्छा है, तो सशक्त व्यक्तित्व होगा इनका। हाँ, थोड़ी सी अपनी बात समझाने में सामने वाले पर कमज़ोर रहते होंगे, तथ्यों के साथ नहीं समझा पाते होंगे, और गुरु की उंगली थोड़ी सी बड़ी है तो लीडरशिप क्वालिटी होती है, क्योंकि इनका गुरु भी अच्छा है तो लीडरशिप क्वालिटी होगी, पर थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम भी व्यक्ति को रहता है। और यहाँ पर छोटी उंगली देखे तो लगभग फर्स्ट फेलेंस से नीचे तक रह रही है, तो जब इस तरह से नीचे रहती है उंगली तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति और जो पैसा कमाते हैं उसका मैनेजमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर रहता ही है व्यक्ति का। अब इनके बुध पर्वत को देखे तो अपने आप में उभार है, तो ये प्लस पॉइंट है। व्यापार वाणिज्य की समझ इनमें अच्छी रहती है, बोली अच्छी रहती है, दिखने में सुंदर होते, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं बुध पर्वत के कारण। सूर्य पर्वत पर भी देखे तो एक अच्छी खासी स्ट्रांग रेखा है, तो ये व्यक्ति को शुरुआत में काफ़ी मेहनत कराती है, पर धीरे धीरे बाद में व्यक्ति सेट हो जाता है और अच्छी खासी यश भी मिलता है उसको। और यहाँ से उम्र लगभग 58 के बाद बैठे बैठे भी इनकम इनके जीवन में आएगी। और यहाँ पर एक विद्या रेखा भी बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक ज्ञान भी अच्छा खासा होता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करेंगे, बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये क्रियाएं चलती रहती है। यहाँ पर शनि पर्वत देखे तो एकदम फ्लैट है, और इस तरह का शनि पर्वत व्यक्ति को आलसी नहीं बनाता, व्यक्ति मेहनती होता। और यहाँ पर क्लियर कट गुरु तक जाने वाली रेखा है, तो ये सरकारी जॉब मिलने के चांसेस इनके काफ़ी उज्जवल हो जाते हैं। अब इन्होंने टाइमिंग भी पूछा है, तो टाइमिंग के लिए ऐसा है, कभी ना कभी किसी व्यक्ति के हाथ में अगर ऑफशूट दिखे तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइमिंग पर हो जाएगा, पर यहाँ पर कोई ऑफशूट दिख नहीं रहा है तो मुझे टाइमिंग जजमेंट लगाने में तकलीफ हो रही है, पर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस काफ़ी उज्जवल है इनके, और बुढ़ापे तक इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। यहाँ पर देखें गुरु पर्वत काफ़ी क्लीन एंड नीट है, और कोई साइन नहीं है इस पर, और गुरु पर्वत काफ़ी अच्छा है, तो ये व्यक्ति को पारिवारिक सुख अच्छा खासा देता है, सांसारिक सुख भी व्यक्ति को अच्छा खासा मिलता है ऐसे गुरु पर्वत के कारण। और इनका अंदरूनी मंगल भी अच्छा खासा क्लीन एंड नीट है, पाम इनका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर पाम है, व्यक्ति रिलैक्स से जिए इस तरह का पाम है, और इतना अच्छा अंदरूनी मंगल व्यक्ति को शारीरिक रूप से अच्छा खासा एनर्जेटिक बनाता है, यानी इनमें शारीरिक क्षमता अच्छी खासी रहती है। और यहाँ पर देखे बाहरी मंगल, बाहरी मंगल भी उसके लायक ही है, अच्छा खासा उभरा हुआ है, तो ये जब किसी से मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, किसी का सहारा ढूंढने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर देखे तो चंद्र पर्वत भी अच्छा है,
और क्लीन है, इनका पाम काफी क्लीन है, इनकी उंगली नो डाउट छोटी है, मनी मैनेजमेंट में कमजोर दिख रही है, पर इनका पाम देखकर लगता है ये अच्छा खासा मनी मैनेज करेंगे। जिसका भी पाम क्लीन होता है वो मनी मैनेज बहुत अच्छी तरह से कर पाता है, ये एक खासियत होती है। तो हो ना हो ये अपने जीवन में मनी मैनेज अच्छी तरह से करेंगे, और चंद्र पर्वत अच्छा खासा उभार लिए हुए, तो व्यक्ति रिफाइंड सोच होती है, प्लस इमेजिनेशन पावर काफी अच्छा होता है इनका, और व्यक्ति को एक मन की शांति देता है चंद्र पर्वत जिसका अच्छा होता है तो, और निर्णय शक्ति भी काफी बेटर होती है। और इस पाम में देखे तो एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, और ये कोई कमजोर मनी ट्रायंगल नहीं है, ह्यूज लेवल का मनी ट्रायंगल है। तो व्यक्ति संपत्ति अच्छी खासी बनाता है अपने जीवन में। इन्होंने ये प्रश्न पूछा, नो डाउट इनकी उम्र छोटी है, पर इस तरह का मनी ट्रायंगल तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर बनता है, बहुत ज़्यादा, गाड़ी घोड़े क्या चीज़ है, इसमें बहुत कुछ बना लेता है इस तरह के मनी ट्रायंगल में। तो अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। अब इनका शुक्र पर्वत भी देखिए, बहुत सारी शुक्र रेखा है, जितनी भी मोटी रेखा है ये सारी शुक्र रेखा है। ये व्यक्ति को लग्जरी, अभी भी इनके जीवन में लग्जरी होगी 100%, जिस तरह का शुक्र पर्वत है और शुक्र रेखा है, तो व्यक्ति को लग्जरी मिलती है, अभी भी अच्छी खासी लग्जरी ये जीवन में भोग रहे होंगे। और इस तरह का शुक्र पर्वत व्यक्ति को पैसा देता ही है। हाँ, इनका खर्च अधिक रहता है, अपने ऊपर खर्च अच्छा करते ये जीते ये लोग, और खुद का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होता है, तो काफ़ी अच्छा शुक्र पर्वत है, और कोई बारीक रेखाएं नहीं है, काफ़ी क्लीन एंड नीट है। अब चलते हैं इनके हृदय रेखा पर। हृदय रेखा थोड़ी सी इनको परेशान करेगी, अपना जीवन जिएंगे बहुत अच्छी तरह से, पर एक्सपेक्टेशन लेवल काफ़ी हाई रहेगा, ये एक इनको बार बार परेशान करेगी। ये किसी एक दो व्यक्ति पर बहुत एनर्जी लगाएंगे, और उस व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी हृदय रेखा होती नहीं, और इनको उनके द्वारा मायूसी मिलेगी। प्लस एक्सपेक्टेशन लेवल ज़्यादा होने से भी बार बार घर वाले भी परेशान होते, ये एक माइनस पॉइंट है। इनको चेंज करना होगा, अपने एक्सपेक्टेशन लेवल को कम करना होगा, और इसका एक स्टोन भी आता है, वो व्यक्ति पहन ले तो भविष्य में हो सकता है ये कहीं से ब्रेक हो जाए और इनका एक्सपेक्टेशन लेवल कम हो जाए। पर ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होते हैं, बचपन से ऐसे आदर्श बना लिए रहते जीवन में कि इसी तरह जीना है, और उससे ज़रा भी 19-20 हो तो इनको एक्सेप्ट नहीं होता, ये एक माइनस पॉइंट रहता है इस हृदय रेखा का। पर यह हृदय रेखा काफ़ी सिंगल और पतली है, तो बोझा लेकर कभी जीवन जीना नहीं पड़ेगा, अपना जीवन बहुत शांति से जिएंगे। अब चलते हैं इनके माइंड लाइन पर। माइंड लाइन को भी देखें तो जीवन रेखा से शुरू होकर चंद्र पर्वत पर जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक बनते हैं, और चंद्र पर्वत पर जाती है तो व्यक्ति घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत बोल बोल करता है, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। और इमेजिनेशन पावर तो इतना बढ़ जाता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, 40 के आसपास आएंगे, तब इनको लगेगा कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति इनके साथ चल रही है, इस तरह का एहसास होगा। तो ये काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है और क्लीन एंड नीट है। अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा। जीवन रेखा देखने लायक है, अगर देखे तो ये पार्ट यहाँ से एक शुरू हुआ और यहाँ से एक लाइन ज्वाइंट कर रही है राहु रेखा के नाम पर। जीवन 42 में इतना बड़ा बदलाव आएगा, यानी अगर ये कोई एक्स जगह पर रह रहे तो इनका स्थानांतरण हो जाएगा वाई जगह पर, इतना बड़ा मोटा बदलाव आएगा, और उसके बाद ये जीवन रेखा इनकी बन जाएगी, जो फेट लाइन है वो इनकी जीवन रेखा बन जाएगी। और ये भी काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि जब जीवन रेखा का रूप लेती है फेट लाइन तो वो काफ़ी अच्छी होती है, नॉन स्टॉप चलती है, और इनके पाम में भी इसी तरह का चल रहा है। हाँ, एक दो जगह पर इनके राहु रेखाएं है, एक लगभग
32 के आसपास, एक 34 के आसपास और एक 42 के आसपास, इनको राहु रेखाएं काट रही है। ये पीरियड थोड़ा सा टेंस वाला होगा। और दूसरा, अगर बात करें तो लगभग इनको जो सरकारी जॉब का जो इनका एक्सपेक्टेशन था, ये लगभग 29 के आसपास पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से इनकी जीवन रेखा एक अलग तरह से रूप लेकर चल रही है। और उसके बाद इनकी जीवन रेखा अच्छी खासी आगे बढ़ रही है और स्मूथ है और एकदम स्ट्रांग है। और यहाँ पर देखे, अभी इनकी फेट लाइन को भी देखे तो यहाँ तक चली और यहाँ पर एक कट है लगभग 30 के आसपास। एक यहाँ पर जो जीवन है ये थोड़ा सा कष्टमय रहेगा। ये उम्र होगी लगभग 33 के आसपास से लेके 32, 33 के आसपास से लेके 36 तक, ये थोड़ा कष्टपूर्ण रहेगा इनका जीवन। और उसके बाद अच्छी खासी मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में क्रिएट होने वाले। तो इस तरह का इनका जीवन अच्छी तरह से, सारे जो सपने हैं इनके जो लिख कर भेजे, ये सारे पूरे होते इनके पाम पर दिख रहे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।